We're at Rajasthan Jaipur, Foodspa's newest destination, and we're going to be covering the food scenes which Jaipur has to offer. Lots of sweets, lots of kachoriyas, lots of other meaty items as well. Very excited about it. I'm at an iconic place right now. Let's head over straight to the first spot. जयपुर के मशहूर पिंक सिटी विच इज़ नोन फॉर उसके सबसे पॉपुलर जो जगह है लगभग 300 साल पुराना इट्स कॉल्ड LMB लक्ष्मी मिष्ठाना भंडार वहाँ का सबसे जो पॉपुलर चीज़ है ठंडी के मौसम में अपनी ट्राई करने वाले सबसे पहले प्याज की कचौड़ी ऊपर से मीठा चटनी एंड व्हाट अ वे टू बिगिन द जयपुर सीरीज कुडंट हैव थॉट ऑफ अ बेटर प्लेस 45 रुपीज़ अ पीस अंदर थोड़ा बहुत तीखा रहेगा बाहर क्रिस्पी एंड ऊपर से मीठी चटनी व्हाट अ परफेक्ट स्टार्ट नेक्स्ट अपने ट्राई कर रहे हैं थोड़ी सी हरी चटनी के साथ इट्स गोना गिव यू अ डिफरेंट टेस्ट कोरिएंडर जो है सो मीठा हरी एज वेल एज द प्याज जब ये ट्राई कर रहे हो डोंट मिस द हरी चटनी दैट एड्स द परफेक्ट फ्लेवर फॉर अ हेरिटेज डिश लाइक दिस नेक्स्ट अपने ट्राई करने वाले छोले भटूरे टू पीसेज ऑफ दिस And the chola looks pretty spicy. प्याज कचौड़ी जब आपने खाए थे वो हेरिटेज है दी ओरिजिनल ओ जी सो वो तो ट्राई करना ही है बट मेरे मुताबिक इनके छोला भटूरे टेस्ट में बेहतर है आखिरी आइटम जो हम लोग ट्राई करने वाले कुछ मीठा मुँह दिस इज द घेवर मलाई रबड़ी रबड़ी घेवर घेवर टेस्ट डिलिशियस एंड इट्स अ फेमस राजस्थानी स्वीट डिश और ऊपर से यहाँ पे रबड़ी एक और बाइट लेता हूँ मैं ये यहाँ का काफ़ी मशहूर आइटम है आई गिव यू अ सजेशन मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा सा घेवर टेस्ट किया था यू गेट टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स विच यू लाइक ओवर हियर द घेवर विच आई ट्राइड टेस्टेड मच बेटर देन दिस इज अपेरेंटली अ स्पेशल डिश बट आई थिंक द रबरी ऑन टॉप काइंड ऑफ रूइंस द क्रिस्पीनेस और द फ्लेकीनेस और दैट फ्रेशनेस ऑफ द घेवर सो माई सजेशन वुड बी Although that is price much lesser, रबड़ी के साथ price तो increase हो रहा है but taste है So ये particular dish आप लोग को without रबड़ी try करना चाहिए Video अगर पसंद आया share with your friends, family. And if you have more suggestions, अगर आपको लगा कि तो यहाँ पर कुछ और बेहतर है but मैंने miss किया है definitely comment section में बताना Let's move over to the next spot. लगभग 50 साल पुराना जयपुर का पहला लस्सी दुकान है MK लस्सी वाला और वहाँ का जो लार्ज वाला लस्सी है वो अपने ट्राई कर रहे हैं अभी मलाई मार के बहुत ज़्यादा मलाई है इसमें लस्सी ट्राई करेंगे लगभग आधा लीटर का लस्सी है आई थिंक इसको मैं आधा भी नहीं ख़त्म करवाऊँगा इतना ज़्यादा थिक है वी गॉन फॉर विदाउट आइस बट यहाँ की ठंडी इतनी है लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस अभी चल रहा है दिन के टाइम में रात को और कम आई थिंक लस्सी आइडियल तो नहीं है इस वेदर के लिए बट आप जब आ रहे हो राजस्थान जयपुर इस लस्सी के बिना आपका ट्रिप और स्पेशली अगर फूड ट्रिप है वो बिल्कुल अधूरा है एक्सटेंडिंग आवर थैंक्स टू कायोर अपार्टमेंट्स फॉर बीइंग फूड स्पास स्टे पार्टनर फॉर द जयपुर ट्रिप You can also book them on the number provided should you require a spacious accommodation near the airport. एग्जैक्टली कितनी है अभी इससे गेस कर लोगे दैट्स हाउ कोल्ड इट इज बट गर्मी के मौसम में जो जो चीज़ नेसेसिटी है लाइक चाय वगैरह कचौड़ी वो अपने ट्राई करने वाले हैं फर्स्ट टाइम इट्स लाइक अ क्लब कचौड़ी विथ हिंग इन साइड देर इज गोन बी नो आलू की सब्जी सेविंग यू ओवर योर बट देर इज गोन बी सम दही एंड दैट्स व्हाट वी गोइंग टू एंजॉय वाओ आई लाइक इट अंदर
पका हुआ है बाहर, खस्ता है, एंड दिस दही इज अ परफेक्ट फॉइल फॉर अ डिश लाइक दिस. जयपुर की मशहूर प्लेस है नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए. सबसे ज़्यादा क्रेविंग होता है मटन खाने के लिए, लाल मांस वगैरह. वी आर हियर आउटसाइड द हंडी, इट्स हियर सिंस द लास्ट 40 इयर्स. खाने में स्टार्टर भी कुछ ट्राई करने वाले हैं, ऑफ कोर्स लाल मांस ट्राई करने वाले हैं, एमबीएस भी दिखाने वाले हैं. लेट्स टेक यू गाइस इनसाइड. आ गया हमारा गर्मा गर्म खाना. ये क्या है भैया? ये लाल मांस, ये बाजरे का रोटी है आपका, जंगली मांस. बढ़िया. पहला चीज जो अपने स्टार्टर्स में ट्राई करने वाले हैं वो है जंगली मांस. लुक एट द पीसेस ऑफ मटन, 7 to 8 पीसेस ऑफ मटन नहीं, यहाँ पे ट्राई करने वाले. सॉफ्ट है काफी, एंड आई थिंक आई पिक्ड अप द वर्स्ट पीस, सबसे बाहियात पीस. इसमें कुछ मटन है ही नहीं, तो यहाँ पे एक चूज करने वाला हूँ. दिस लुक सॉफ्ट, वाओ. वो एक चार्ड बर्न्ड वाला जो स्मेल एंड टेस्ट है वो इसमें है. सॉफ्ट भी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत अच्छा. नेक्स्ट है अपना बाटी. पर्सनली ये मेरा फेवरेट तो है नहीं, बट क्योंकि हम लोग आए हैं यहाँ पे, यहाँ का जो स्पेशलिटीज़ है वो तो ट्राई करना है. ये रहा हमारा लाल मांस, मैं ग्रेवी भी लूँगा, एक और पीस भी लेता हूँ. मज़ा नहीं आया, इसीलिए आई न्यू इट फ्रॉम बिफोर. व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव ऑर्डर्ड बटर नान ओवर हियर और बाजरे की रोटी इसके अंदर है. तो मैं दोनों दिखाने वाला हूँ. यहाँ पे आपका बाजरे की रोटी और ये है बटर नान. द मटन गुड पीस, अच्छा है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है लाल मांस के साथ. बेहतर. यहाँ पे यू हैव द फैट ऑफ द मटन, बोन्स भी है और यहाँ पे मीट है. मेरा जो पैलेट है, क्योंकि आई डोंट बिलोंग फ्रॉम दिस रीजन, इसीलिए मैंने एक सेफ एंड बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वो है बटर नान. सो लास्ट बाइट जो मैं लेने वाला हूँ यहाँ का बटर नान के साथ ही होने वाला है. राजस्थानी लाल मांस विद बटर नान, दिस इज़ अ मच मोर प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर अस. बाजरे की रोटी एक्सेट्रा, क्योंकि हम की हमारे पैलेट को सूट नहीं करता है. सो आई थिंक बटर नान और मसाला कुछ है अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, इज़ अ मच बेटर ऑप्शन. जयपुर के मशहूर नॉनवेज के लिए फेमस MM होटल, 40 साल से अफोर्डेबल मुगलाई फूड के लिए. अंदर चलते हैं, काफ़ी भीड़ है. वील ट्राई टू गेट अ स्पॉट एंड वील ट्राई आउट सम ऑफ देयर स्पेशल आइटम्स इज वेल. अब भाई अंदर चलते हैं. एकदम सॉलिड नो नॉनसेंस नॉनवेज खाना, रोस्टेड तंदूरी चिकन, पूरा होल चिकन, 8 पीसेज है यहाँ पे. बेसिकली 4 बड़ा बड़ा पीस है, उसको काट के 8 पीसेज बनाया गया है. और यहाँ पे चिकन का पीसेज देखिए कितना साइज है, ऑल ऑफ इट प्रॉपर. और यहाँ पे MM स्पेशल मटन, ये फुल प्लेट मटन जस्ट देखिए, ब्रिलियंट. और ये सब के साथ मसाला कुलचा बोलिए, तंदूरी रोटी, बटर नान, गार्लिक नान वगैरह सब टेक्स अ बैक सीट बिकॉज वी गॉट सम प्लेन सादा नान. सबसे पहले जो मैं ट्राई करने वाला हूँ वो है तंदूरी चिकन. तंदूरी चिकन परफेक्ट, अंदर जूसी है, बढ़िया से मैरिनेशन किया गया है, नॉट ओवर चार्ड, ज़्यादा जला हुआ भी नहीं है, ज़्यादा तला हुआ भी नहीं है. मटन का पीस जस्ट देखिए ब्रिलियंट, और द ग्रेवी कितना रिच है जस्ट देखिए, रिच है, मसालेदार है, एकदम तीखा भी लग रहा है मुझे. गर्मा गर्म रोटी के साथ ये मटन का पीस, सी हाउ सॉफ्ट एकदम ये निकल आ रहा है. जस्ट मटन देखिए, रोटी के साथ खाने से पहले ही मुंह में पानी आ, वो स्वाद जो दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, अब जयपुर में लाल मांस वगैरह इसके सामने तो बिल्कुल ठंडा है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जयपुर वीडियो. आशा करता हूँ आपको पसंद आया. डेफिनेटली अगर आपको पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो फूड और राजस्थानी जयपुरी फूड के फैंस हो.
नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, मेक श्योर दैट यू डू एज वेल एज हिट दिस बेल आइकन. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज फूड्स बार रैपिंग अप फ्रॉम अ वेरी बिजी जयपुर रोड. चीयर्स.